गाड़ी वाले आए गाड़ी में, अफसर, तीन मैडम और ये कहा दोनों संग मरद है। अब ही उन बाकी कहा बांट रही, कहा ना बन, कुछ ना बांट रही। सब ने कही भाई आप ना बांट रही, आप ना बांट रही। मैंने उनसे कही या है ही सुधम अपने साथ ले जाओ गाड़ी में बिठाने कर, या ब्याह के संग बुरो कर देंगे। ये कुल मिला के बात है, बहन है वो कोई जान मन कही उनमें से वो एक दाना ना देवे। या मैं कुल मिला के या गांव में कोई भी काम कर दे कोई, या नू कहीं नहीं खोका भाई ये मत करा भाई ना कोटा वाला नाज ना दे रहा, गूठे लगवा दिया वह फलाण काम वाह ना दे रहा कोई किसाई की हीन दम। मैं कह रहा हूँ भाई अच्छा आंगनवाड़ी क्यों नहीं बांटती आंगनवाड़ी पास कोई अगर एक दानो भी बांटो हो तो वन का दिन भी किसी भी वाह उन्होंने बताई मैडम ने भाई तुम्हारे पास कितने बच्चे पढ़ने के नहीं आते। हमने कही एक बिना हायक भी तुम उनके लिए राशन क्या बनाते हो, नुक 4 किलो आलू लाऊँ फलान चीज लाऊँ। मैंने कि बताओ कोई मास्टर इतने सारे मास्टर अगर एक भी बांट तो हो तो कोई भी ना बांटे। फिर वास में सच माँ जैसे कही या दे जाओ नहीं या कि हम बिहाई कर देंगे या ही मारेंगे और। हाँ मैडम आई या ना ये मैडम सुन जब मैडम अब नंबर दे गई भाई मैं ना ले, मैं तो पढ़ो लिखो ना हूँ मेरे देखे अहमियत ना है। मैं तो अब अच्छा, जो अधिकारी आए थे जब आपने उनकी सारी हकीकत बताई ये राशन नहीं बांटती है तो फिर उन्होंने उससे क्या कहा? उन्होंने भाई वास ही तो कुछ तो बस कही ना भाई तू ऐसे क्यों करती हो बांटती क्यों नहीं हो कि ना इन कह सुन के नहीं ऐसे वालेगा भाई वाह आंगनबाड़ी में जो आपको बेटा भी वक्त संग वो मोस बांफर रहो अकड़ रहो। मैंने कि साढ़े मैं तेरे कहना पीप दूंगा तो हमने चुप चुपा सुन ले और याद ले जाए। अच्छा भी आप डिप होल्डर का बता रहे थे उसका क्या कह रहे हैं? डिप होल्डर भाई कभी भी कोई कुछ भी कर लिया। अब मैं बताऊँ अपनी बात जी मेरे डिप होल्डर में गोज नाज ले लूँ जी मोस कही ना देर थोड़ू अच्छा ना देर आगो वजह भाई वजह यूं ही अब जैसे मैं अब तुम कहवा रहे हो तुम वो भी मरवा रहे हो अब और ना मिल से कहीं और कैसे, कैसे, कैसे नहीं मिलेगा आप कैसे मर जाएंगे? अब और कहा जब बात है तुमसे कह दी अब ऐसे ना मिल से अब तुम वो ही मत मरवाओ। मैंने जब कही डाला मेरी देखे अहमियत ना तुम वो मत मरवाओ। अब अच्छा, अगर आप हकीकत को सामने ला रहे हैं अब मैं फिर अब मैं ढाणा सुला रहा हूँ कोटा है बता की ना दे जबकि ऑनलाइन है। अच्छा ऑनलाइन आपका यहाँ डेटा चढ़ा हुआ है और बस लिया ऑनलाइन अब कहीं से वहाँ चढ़वा रहा हूँ उन्हें गिना दियो भाई मोटू ना अगर ये ना दे इससे जाती या मैं कहा उन्हें ना दी बोलो लिया कोल मिला के भाई बेटा मैं तुमसे आ गया मेरे किसानी भरवा ले जाओ वो तुम आए तो पिटवान लो है ना। अब ऐसे है या गांव में कोई नहीं आना है या गांव की वैसे अपनी लिख के ले जा करो या गांव में ऐसे काम हो रहा बस चले जा करो कहा ये कुछ मत पूछा करो हीन ये झोंपड़ी में आके कहा डिप होल्डर कोटा ना बांटो भाई कहा बात है ही नहीं कहा उन सुना कहे ना वो आंगनबाड़ी वाले कहे ना कोई कहे कुछ ना कहे। अगर ये सरपंच ने मनरेगा में काम कहाँ करवाया भाई आगे वो बदनाम हो या तब मुझे झोंपड़े पर मेरी दुकान है चाहे करवायो ना करवायो कर दियो ना दियो कुछ पता नहीं खबर आ जाती होंगी आपके पास। हाँ खबर तो ही नहीं हमने कोई सुनी ना कोई कोई बड्डा खोदने जा रहा तक हम भी बात हम अगर बाप कहते ना खुदे ना ये बस ही भाई अब भाई बहन जो भाई बेटा अच्छा, सरपंच की कुछ शिकायत आ रही थी मनरेगा के तहत उसके बारे में आपका क्या मनरेगा के बढ़ाएंगे और कोई शिकायत भाई हम इन्हें बोले ही सर गाँव में बैठे और कहा फर्जी जॉब कार्ड बनवा करके उनके पैसे निकाले जा रहे हैं ऐसी खबरें ऐसे तो हमारे सोच ना ऐसे कोई पैसे निकल आ गया खुद ही बढ़ा था खुद ही बढ़ा दिया ऐसे तो पैसे ना निकले और बैंक में पैसे कैसे निकाले पाँच साल में एक बार बड्डा खुदक रहेंगे ये बोल रहे आप पता है एक साल में 100 दिन रोजगार हाँ फिर एक साल ये 5 साल में तो 5 बार खुदने चाहिए। अच्छा आपको क्या लगता है कितने जॉब कार्ड फर्जी बनाए गए पंचायत में? यहाँ जॉब कार्ड 75 बनाए हैं और उनमें से उरले मूल्य का एक भी नहीं है और परले मूल्य के जो भी है। अच्छा हाँ पूरे कुला बनाए एक भी यो है भाई यो सब कुछ को मालिक है बेईमानी को भी ईमानदारी को भी सब कुछ मालिक ही है क्या है करवा रियाज करने बाद जो कुछ करनी है तो हमने तो फिरनी का रास्ता कही सरपंच सरपंच फिरनी का रास्ता कही मुंबई रास्ता बनवाते वहाँ के जल्दी तक हमारी बताओ कि नहीं तुनु जोड़ा लाठी कुछ भी ना हूँ तो हाँ बूढ़े हमारे हूँ तो इनके लिए बिजली ना जावे इनके लिए रास्ता ही ना है बात
दगड़ी आज तक वो मैं ना मलबो गिरो ना खुरा बंदो ना कुछ हो। अच्छा लाइट सरपंच जिम्मेदार है इसके लिए? किना जिम्मेदार? अच्छा यही सरपंच। अच्छा राशन कितना मिलता है डिप होल्डर के माध्यम से? डिप होल्डर राशन देता है कि नहीं देता है? अरे कभी दे देवे कभी ना देवे। अच्छा काम तो वही है। अब 8 महीना दे दियो का? ना दियो ना 8 महीना को? 8 महीना नहीं दिया? ना बिल्कुल ना दिया। क्या बोलता है? दानो भी ना आयो। क्या नाम है डिप होल्डर का? कोई सरपंच कमी है मतलब ये खूब काम करवाया नाटा में कुछ भी कहे सरपंच कोई कमी ना है। डिप होल्डर थी ना वो उनकी मन की बात है कभी ना थी ना। अब जंगल में रह रहे हैं दो बार सरपंच बुलायो लाइट के लिए दो बार बुलायो। अब ही सुडोरी फैला राखी मीटर लगे पड़े हैं आज तक बिजली को नाम ना हूँ बताओ मीटर खर्चा नहीं जा रहा ने 5 साल बराबर हो जाई कान ना कर सरपंच बताऊंगो बेचारे तो वहाँ से इनको राशन दे दिए यही बांट दिया कमर खा जुबरावट के सैलमैन ठीक है सैलमैन थोड़े ये सारा कैंसर चारों। देखिए साहब ये थे ग्राम पंचायत बुबलहेड़ी के जो जो जनता है इनका यही मानना है कि जो सरपंच है उन्होंने सही तरीके से विकास कार्य नहीं कराए और पूरे तरीके से धांधलेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं मनरेगा के तहत जो विकास कार्य हो रहे थे उनमें भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो उनके अपने परिवार के अपनी फैमिली के जो लोग थे उनके जॉब कार्ड बनवा करके फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए और कहीं ना कहीं जो यहाँ का डिपो होल्डर है उन पर भी बड़ा सवाल निशान खड़ा किया कि पूरे तरीके से राशन वितरण नहीं करता है धांधलेबाजी होती है और जो अगस्त महीना है इसका भी उन्हें राशन नहीं मिला है। कहीं ना कहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इनका कहना है कि जो आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो भी सही तरीके से पुष्पा नाम बताया जा रहा है उसका वो भी सही तरीके से यहाँ काम नहीं कर रही है पूरे तरीके से जो ग्राम पंचायत के विकास के लिए जिन लोगों को प्रतिनिधि बनाया है वो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि सही तरीके से इनका निदान हो उनकी समस्या को सुना जाए शासन प्रशासन और सरकार से ही गुहार है कि बुबलहेड़ी के ग्राम पंचायत के जो ये लोग हैं ये पीड़ित हैं। इनका कहना है कि सही तरीके से गरीबों का जो राशन है उसको हड़प लिया जाता है उनको सही तरीके से वितरण नहीं किया जाता है। इनका मानना है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई कर इन पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। हम आपको लगातार डीटी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है कोई आपके इलाके में किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप डीटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसको उठवा सकते हैं और हमारी टीम हर संभव आपके साथ रहेगी। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।